दिल्ली में नीतीश से मुलाकात करते ही राहुल ने बवंडर मचा डाला। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुट होने की कवायद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने से लेकर एक एक राज्य में किस तर्ज पर तैयारी करनी है, इसे लेकर चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ कि इसको लेकर विपक्षी दलों की जल्द ही एक बैठक होगी। बैठक की तिथि और स्थान की घोषणा एक दो दिनों के भीतर की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को लेकर कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की है। इसमें देश को एक नई दिशा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। वहीं नीतीश कुमार की खड़गे और राहुल के साथ बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक की तिथि और स्थान के बारे में एक दो दिन में फैसला होगा। इस बैठक में कई राजनीतिक पार्टियां हिस्सा लेंगी। वहीं इस बैठक को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जल्द ही विपक्ष बड़ी बैठक करेगा। बैठक में विपक्षी एकता को लेकर चर्चा हुई है, इस पर सबसे बात करेंगे और एक दो दिन में सभी को बता देंगे। इससे पहले शनिवार को कर्नाटक में सिद्धारमैया और उनकी सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के कई प्रमुख नेता नजर आए थे और यहाँ से विपक्षी एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया गया था। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।